हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के हमारे लेसन प्लान का टॉपिक है सॉइल। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिजिकल साइंस है, टॉपिक सॉइल और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट पीपल टीचर वही फिल करेगा जिसमें डेट में वो बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ा रहा होगा। उसके बाद हम कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी अगर हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनमें किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा, फिजिकल साइंस को पढ़कर वो किस तरह की एक्टिविटी कर पाएंगे, फिजिकल साइंस को पढ़कर उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी, फिजिकल साइंस को पढ़कर वो कैसे फिजिकल साइंस के आइडियाज़ को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सॉइल टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उनमें सॉइल को पढ़कर क्या वो समझ पाएंगे, सॉइल को पढ़कर वो कैसे उसकी नॉलेज अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। उसके बाद मटीरियल एड। मटीरियल एड में चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड, ये सब प्यूपल टीचर इन सब की हेल्प से बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाता है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट प्लांट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हम बच्चों को सॉइल पढ़ा रहे हैं तो उन्हें प्लांट्स, फ्रूट्स इन सब के बारे में पता होगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, उसके बाद जो प्यूपल टीचर होता है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछता है। ये एक तरह से मेन चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कि जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का जो हमारा मेन एम होता है वो ये है कि हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज अच्छे से चेक कर पाएँ कि उन्हें क्या पता है। तो ये प्यूपल टीचर पहले बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेगा। सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न होता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिगजैग फॉर्म में पूछे जाते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आएगा तो उस आंसर से रिलेट करके ही क्वेश्चन सेकेंड पूछना है। तो ऐसे ही हमें उन्हें मेन टॉपिक तक लेकर आना है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन फॉर सर्वाइवल। तो बच्चे बता देंगे वाटर, फूड, शेल्टर, एयर एक्सेट्रा। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड इज, बाय विच सोर्स डू वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो आंसर, प्लांट्स एंड ट्रीज। क्वेश्चन थर्ड, वेयर डू वी सो द सीड्स ऑफ प्लांट्स। सो आंसर इज सॉइल। देन क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डू यू नो अबाउट सॉइल। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर में आ जाएगा, मे बी बच्चों को पता हो इसके बारे में या ना पता हो। तो यहीं से जो प्यूपल टीचर है वो स्टेटमेंट ऑफ द एम बता देगा, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट सॉइल। उसके बाद पीपल टीचर कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करता है, जैसे कि वो सॉइल पढ़ा रहा है तो पहले सॉइल को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, सो स्टूडेंट्स एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज। सो उसके बाद पीपल टीचर डेवलपिंग क्वेश्चन पूछता है। डेवलपिंग क्वेश्चन बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होते हैं। मेन टॉपिक से रिलेट करके हम डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लांटिंग अ ट्री। सो बच्चे बता देंगे सो सीड। सो क्वेश्चन सेकंड इज, व्हाट इज ह्यूमस। सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर है। अब ये बच्चों ने चाहे बताया हो चाहे ना बताया हो, आपको इसे अपनी टीचिंग पॉइंट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि टीचर प्यूपल टीचर ने क्वेश्चन आंसर की हेल्प से बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद प्यूपल टीचर बच्चों को एक्सप्लेन करेगा कि सॉइल क्या होता है। सो सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। सॉइल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल इज़ द थिन लेयर ऑफ मटीरियल ऑन द अर्थ सर्फेस। इट इज़ द मीडियम इन विच प्लांट्स एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एंड ग्रो। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो जो रोटिंग जो सड़ जाता है वो जो मैटर सॉइल में रहता है उसको ही हम ह्यूमस बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सो जो मिक्सचर होता है रॉक का, छोटे छोटे पार्टिकल्स का, ह्यूमस का, उन सबको मिलाकर ही सॉइल बनता है। सो उसके बाद प्यूपल टीचर, जो प्यूपल टीचर पढ़ा देता है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, उसके बाद वो उसमें से एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेगा। सो व्हाट डू यू नो अबाउट सॉइल। तो बच्चे इसको आंसर यहाँ पे कर देंगे, और ये एक्सप्लेनेशन इसके मेथड है, क्योंकि यहाँ पे प्यूपल टीचर ने अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। उसके बाद प्यूपल टीचर सेकेंड पॉइंट टीचिंग पॉइंट में सॉइल प्रोफाइल बताएगा कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सो फिर से प्यूपल टीचर डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगा। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, कैन वी ग्रो एनी प्लांट ऑन सैंड। क्या हम रेत पर कोई प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सो आंसर इज नो, वी कांट ग्रो एनी प्लांट।
सो क्वेश्चन सेकेंड इज़ वॉट इज़ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर है। अब आप जो टीचिंग पॉइंट अपना पढ़ाएंगे उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सो ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। उसके बाद पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सो सॉइल इज़ कम्पोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, जो सॉइल है वो डिस्टिंक्ट लेयर का बना होता है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर आर रेफर टू एज हॉरिजोन्स। तो इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजोन्स। सो ए हॉरिजोन, इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल, इट इज़ डार्क इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस। बी हॉरिजोन, इट हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल्स, इट इज़ हार्डर। सी हॉरिजोन, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक विद क्रैक्स एंड क्रेविसेस। तो यहाँ पे पीपल टीचर अपना पूरा टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर देगा बच्चों को अच्छे से। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि टीचिंग जो पीपल टीचर है वो अभी अपना एक्सप्लेन कर रहा है। सो ये एक्सप्लेनेशन मेथड है। उसके बाद जो पीपल टीचर होता है उसको लेसन प्लान में मिनिएचर भी लगाने होते हैं। वो चार्ट की हेल्प से बच्चों को समझा सकता है कि सॉइल प्रोफाइल कैसी होती है, क्योंकि चार्ट के थ्रू बच्चे अच्छे से समझते हैं और उसे अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं। सो यहाँ पे उसके बाद लास्ट में हमें एक इवेल्यूएशन क्वेश्चन पूछना होता है। जो भी पीपल टीचर ने पढ़ाया है उसमें से ही इवेल्यूएशन क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ वॉट इज़ ए होरिजोन। सो उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट, टाइप्स ऑफ सॉइल। सो यहाँ पे पीपल टीचर अपना थर्ड टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेगा कि जो सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद फिर से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे जो पीपल टीचर होता है वो पूछता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सो बच्चे बता देंगे इट हेल्प्स प्लांट टू ग्रो। तो जो मेन इंपॉर्टेंस है वो बच्चे बता देंगे। क्वेश्चन सेकेंड इज़ विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अब ये तो बच्चों को मे बी ना पता हो, लेकिन अब आप अपने इसे टीचिंग पॉइंट में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो पीपल टीचर स्टेटमेंट, द सॉइल इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल। सो फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, दिस सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स। तो इस वाले सॉइल में ज़्यादा ग्रेटर बिग पार्टिकल्स होते हैं। इट हैज़ लो न्यूट्रिएंट्स एंड पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, इस वजह से इसमें लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये वाटर की कैपेसिटी भी होल्ड करने की इसमें अच्छी नहीं होती। सो सेकेंड इज क्ले सॉइल, द पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड टाइटली पैक टूगेदर विद ईच अदर। इट इज़ वेरी स्टिकी टू टच वेन वेट बट इज स्मूथ वेन ड्राइड। थर्ड इज लोमी सॉइल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेंड क्ले एंड सिल्ट। इट इज़ अ बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। तो यहाँ पर बता दिया है कि जो लोमी सॉइल है वो बेस्ट है फॉर ग्रोइंग प्लांट। उसके बाद फिर से जो पीपल टीचर है वो इवेल्यूएशन क्वेश्चन पूछेगा जब उसका टाइप्स ऑफ सॉइल का जो टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा उसके बाद। सो क्वेश्चन इज डिफाइन सेंडी सॉइल। उसके बाद रिकैप्चुलेशन आता है। जो पीपल टीचर होता है वो बच्चों को रिकैप करवाता है, जो भी उन्होंने अपने टीचिंग पॉइंट्स में पढ़ाया है उसको वो ट्रू फॉल्स या फिलअप की फॉर्म में पूछता है बच्चों से। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ हायर इन टैश। तो बच्चे बता देंगे क्योंकि ये वो हम जो पीपल टीचर है वो पढ़ा चुका है। क्वेश्चन सेकेंड इज सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। तो ये बात बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन थर्ड इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट सॉइल। आप सॉइल से सॉइल के बारे में क्या जानते हैं। क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट इज क्ले सॉइल। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क आता है। जो पीपल टीचर होता है उसे लेसन प्लान में अपने ब्लैक बोर्ड चिपकाना होता है। जैसे वो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या लिखेंगे, जैसे कुछ डेफिनेशंस या कुछ फ्लो चार्ट बना के वो जो समझाएंगे, तो वो सब यहाँ पे मिनिएचर में लगाना होगा ब्लैक बोर्ड के। उसके बाद जब कोई टॉपिक या कोई चैप्टर पीपल टीचर पढ़ा देते हैं तो वो नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क भी देते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन क्ले एंड लोमी सॉइल। क्वेश्चन सेकेंड इज डिफाइन सॉइल प्रोफाइल एंड क्वेश्चन थर्ड इज वॉट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सो आज का लेसन प्लान यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और आपको अगर इसी तरह की फिजिकल साइंस की वीडियोज़ देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू।